आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में क्लास फर्स्ट सिक्स और नाइन का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम साथ ही एग्जाम पैटर्न सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम के स्कूल पे वीडियोज़ बनाने को लेकर क्वेरीज आ रहा था तो फाइनली आपका जो भी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था उनका सोलूशन इस वीडियो में मिलेगा आते हैं सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के शेड्यूल के बारे में हालांकि सबसे पहले मैं रिमाइंड कर दूँ कि अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल नहीं आया लेकिन यह कि मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेटा बता रहा हूं यह अलग बात है हालांकि भी रिमाइंड कि जो स्कूल का एमयू का फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम का जो शेड्यूल होता है वो आगे पीछे होता रहता है मतलब हो सकता है या तो पहले आ जाए या फिर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आए क्योंकि अभी अगर लास्ट टाइम यानी कि इक्कीस में जो आया था वो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बाद आया था इनका जो एग्जाम दिसंबर के आसपास में हुआ है तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो चीजें हो सकता है अगर बाई वे कम टाइम में अगर एप्लीकेशन हालांकि कि नॉर्मली दोनों को दस दिन आगे पीछे होता है ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्योंकि पिछले बार जो लेट हुआ कोविड की वजह से हुआ बट इस बार आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लास फर्स्ट सिक्स और नाइन की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ, अराउंड मार्च से अप्रैल के बीच में पूरे आने के चांसेस है और वही इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मई से जून के बीच में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं स्कूल वाले कैंडिडेट भी अपने हिसाब से तैयारी करते रहे और तैयार हैं देखिए अलग अलग लो, लोग आपको अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे पर जो मुझे जो अब तक एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हो सकता है दस दिन लेट हो जाए या दस दिन पहले हो जाए लेकिन यह कि आपको उस हिसाब से तैयार रहना है ये मैं आपको सबसे पहले आपको एडमिशन फी स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए नाइन टेन में अगर जो बच्चा एडमिशन लेता है उनका नाइन्थ में जो नाइन टेन नहीं बल्कि नाइन्थ में जो बच्चे लेंगे उनका एनुअल फ़ी ये है और वही अगर सिक्स में अगर जो बच्चा एडमिशन लेता है उनका कुछ इस तरीके से और फर्स्ट के लिए भी मतलब फर्स्ट सिक्स और नाइन का फर्स्ट और सिक्स का सेम फी स्ट्रक्चर है बट नाइन का जो है सिक्स के आसपास पेमेंट करना पड़ता है ये आपका एडमिशन फी हो गया ईयरली बेस पे इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि हॉस्टल्स भी है लेकिन हॉस्टल्स में देख सकते हैं सिक्स में एस एंड नाइन्थ में एस में जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड होंगे जिनको एडमिशन मिलेगा उनके लिए यहाँ पर हॉस्टल्स है साथ ही गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर हॉस्टल्स है अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो एन वाले जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर मौका मिलता है एडमिशन में और ये भी है कि यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने कुछ बेसिक गाइडलाइन बताया है अपलिकेशन फॉर्म फिल करने को लेकर लेकिन अभी तो आपके फॉर्म आया नहीं इसलिए अभी आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बस बस आपसे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर बताई जाएगी इसके साथ ही यहाँ पे रिजर्वेशन इस बात का भी है कि जो बच्चे जिनके पास स्पेशल कैटेगरी की सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे मतलब मिलता है फ़ायदा मिलता है इसके देखिए यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन का पोर्टफोलियो बता रखा है जिनके अंदर डिसेबिलिटी डिसेबिलिटीज है या स्पोर्ट्स में जो अच्छा कराओ उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है इसके साथ ही इन्होंने ओ क्योंकि आपके एग्जाम जो होंगे लाइक जैसे अगर आप अप, 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 अप्लाई करते हैं और अगर आपका एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें यह है कि दोनों सीन होता है इंटरव्यू और रि री, रिटेन कह लिए दोनों तो रिटेन में क्या है कि आपको ओमआर सीट मिलता है और बस आपको कलर करना होता है तो उसका इन्होंने गाइडलाइन दे दिया लेकिन ये कि अभी आपके लिए ये रिलेवेंट नहीं है अभी आपके लिए रिलेवेंट ये है कि आपका एग्ज़ाम्स कब होंगे कितने सीट्स है उसको लेकर तो एग्ज़ाम्स का एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया अभी हम बताने वाले हैं ये जो है क्लास फर्स्ट का है क्लास फर्स्ट में ये सीट्स आपके हैं एस में ए और एम यू में और अब्दुल्ला स्कूल में इसके ये बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए देख सकते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर सीट्स काफ़ी है आ वही अगर उर्दू ये जो मैंने बताया इंग्लिश मीडियम के लिए और उर्दू मीडियम के लिए फोर्टी फाइव एम ए सीटी स्कूल में और वन थर्टी सीट जो है उर्दू मीडियम में स्कूल में गर्ल्स के लिए और सिटी गर्ल्स के लिए इसके साथ ही यहाँ पे एटी फाइव मार्क्स का आपके रिटर्न टेस्ट रहेंगे और फिफ्टीन मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे और वो जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादा जरूरी देखिए कह रहा है ट्वेंटी फाइव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंग्लिश एरिथमेटिक उर्दू एंड जीके कुछ सब्जेक्टिव भी रहेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और इंग्लिश एरिथमेटिक उर्दू एंड जीके से पूछे जाएंगे क्लास uh, फर्स्ट के लिए uh, वही अगर हम बात करें यहाँ पे अभी इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे बताया जा रहा है लेकिन आपके लिए जो रिलेवेंट है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ अगला इन्फॉमेसन है क्लास सिक्स के लिए हम सेपरेट वीडियोज लाने की कोशिश करेंगे देखिए यहाँ पे सिक्स के लिए जो है वो टोटल फोर्टी सीट्स है इंग्लिश मीडियम में और फोर्टी सीट्स है बॉयज़ के लिए वो इंग्लिश मीडियम में वही उर्दू मीडियम में देख सकते हैं ये आपके सीट्स रहे हैं एंड इसके बाद अगर हम बात करें इनका भी सेम पैटर्न है बट इनके सिलेबस को लेकर बात कर ले तो ये इनका सिलेबस है uh, मैथ्स से पूछे जाएंगे साइंस से मैथ साइंस से थर्टी थर्टी मार्क्स आ रहे हैं यानी थर्टी मार्क्स मैथ्स और थर्टी मार्क्स जो है वो साइंस से यानी टोटल हो गए सिक्सटी मार्क्स का और उसके बाद अगर बात करें इसमें आपके जो क्योंकि ये दो सेक्शन में रहेंगे तो ये सेकंड सेक्शन की बात कर रहा है फर्स्ट सेक्शन में आपके पच्चीस मार्क्स के रहेंगे और वो जो ट्वेंटी मार्क्स है वो इंग्लिश उर्दू हिंदी का क्वेश्चन रहेगा तो वो आपको सोल्व करना पड़ेगा तो टोटल तो वैसे भी आपके सिक्सटी एटी फाइव हो जा रहा है और फिफ्टी मार्क्स का आपका इंटरव्यू तो ये मैंने आपको क्लास फर्स्ट के सॉरी सिक्स के लिए मैंने बता दिया सिलेबस को लेकर बात करें तो फिफ्थ की सी या एन जो है सी बी का जो सिलेबस है उसको आपको पढ़कर जाना है वही अगर हम नेक्स्ट यानी क्लास नाइन की बात कर ले तो यहाँ पे सीट्स अच्छे हैं मतलब काफ़ी सीट्स हैं गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी बट अगर इन सब में इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस की बात कर ले तो आपको एट्थ का जो एन है एट्थ का एन दबा के पढ़ कर जाना है उसमें जो है थर्टी मार्क्स के जो आपसे मैथ्स पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे और और थर्टी मार्क्स के ही जो आपके साइंस से भी पूछे जाएंगे तो टोटल वैसे भी सिक्सटी हो गया और ट्वेंटी फाइव मार्क्स है जो आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे यानी इंग्लिश है उर्दू एंड हिंदी ये आपको मिक्स रहेंगे तो टोटल एटी मार्क्स और फिफ्टी फिफ्टीन यानी सॉरी फिफ्टीन मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा और अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए आपको है ना ढंग से अच्छे से पढ़ के जाना है एट का एन साथ ही कोई ढंग का सोर्सेस मिले उसको भी प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा ज़्यादा रिविज़न करेगा आपको ही फ़ायदा मिलेगा सो ये मैंने आपको बेसिक जो डिटेल था वो मैंने आपको बता दिया इसके अलावा और भी जो है इम्पॉर्टेंट जैसे जो एन वाले हैं उनको भी यहाँ पे सीट्स uh, रिजर्व है उनके लिए कोई इसका सी नहीं मतलब उनका भी यहाँ पे सीट्स रिजर्व है इसके अलावा इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बताया कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा जो आपके लिए रिलेवेंट है बट ये कि उन सब में सबसे पहले ये है कि अप्लीकेसन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जैसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगी जाती है जैसे अगर आप आपको फॉर्म अप्लाई करना है एमयू का ख़ासकर स्कूल के लिए ये वो 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 डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चाहे वो सिक्स के हो या नाइन के कैंडिडेट उससे पहले मैं आपको बता दूँ देखिए आप जो है ना आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है कि सर अभी तो एट में हमारा बच्चा है और इसका अभी मार्कशीट नहीं है तो आपको उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है देखिए आपका जो एम फॉर्म फिल कराएगा वो सिर्फ आपके स्कूल का नाम पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा बस कुछ बेसिक लेगा आपसे मार्कशीट वगैरह लेने वो नहीं लेगा आपसे हाँ मार्कशीट वगैरह लेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये जब आपके एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपके ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपसे मांगा जाएगा तो उससे पहले आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है बस ये कि अगर आपके पास है तो अपलोड करें नहीं है तो रहने दीजिए आप बस अपना स्कूल का नाम बता दीजिए कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं जैसे कि यह कि आपसे फोटो या आधार कार्ड या कोई आधार कार्ड या पासपोर्ट या पैन कार्ड कोई भी एक है वो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ ही आपको अगर स्पेशल स्पेशल कैटेगरी है तो वो भी अगर मान लीजिए ओ बी सी एस सी एस टी का सर्टिफिकेट तो वो अपलोड करिए मतलब वो भी अपने पास में रखिएगा और बस सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है बस सर्टिफिकेट ये लेगा आपसे टी सी आपसे लेगा ये आपका मार्कशीट लेगा जैसे अगर जो बंदा नाइन्थ के लिए देगा दे उनके लिए एट्थ की मार्कशीट चाहिए होगा एट की मार्कशीट जरूरत पड़ेगा और जो बंदा सिक्स के लिए देंगे उनके लिए फिफ्थ की मार्कशीट तो वो जो है से आपको मार्कशीट को लेकर पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके साथ ही मैं रिमाइंड कर दूं अभी बात चल रहा है हमारे फैकल्टी मेंबर के द्वारा क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स जो एम या जामे में क्लास सिक्स और नाइन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराया जाएगा बट कुछ मिनिमम क्राइटेरिया के साथ फ़िलहाल जो है अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है सिर्फ उसमें आप अभी ऐड हो जाएंगे फिर क्लासेस को लेकर या जो भी चीज़ें आगे एडमिशन प्रोसीजर को लेकर खासकर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे ए एम के द्वारा उसकी तैयारी कैसे करना है स्टूडेंट्स सिंपो इसका तैयारी करा देंगे आपको ताकि आपका सिलेक्शन की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाए तो उसको लेकर जो भी अपडेट्स होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा इसके लिए मैं कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है आप फिलहाल ऐड हो जाएगा आने वाले 10 से 12 दिन में आपको हो सकता है कि सिक्स और नाइन का जो क्लास है ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाए ताकि आपका प्रिपरेशन ऑन टाइम हो जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं खासकर एम को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एक बात और अगर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस, उस पर वीडियो ला दिया जाए थैंक यू